हे गाइस, महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की तबीयत कैसी है? आप लोग और बताइए, आप लोग क्या कर रहे हो? तो मैंने ब्लॉग को कहाँ से स्टार्ट कर दिया है। आज ब्लॉग काफ़ी लेट से स्टार्ट कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मैं पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने खाना वाना दोपहर में खाया 1 बजे करीब, तो सोचा कि लेट हो रहा था तो नाश्ता वास्ता किया नहीं था, भूख लग गया था, खाना बना के तुरंत मैंने खा लिया। और उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं खाना खा के जो तुरंत सोई तो सोई रह गई, ना मैंने अपनी बिटिया को खाना खिलाया, ना कुछ उसे, तो उसे पापा ने खाना खिलाया। और अब भी जाके उठी हो 5 बजे रहा है घड़ी पे गाय। तो उसके बाद मैंने फ्रेश हुई हूँ, उसके बाद चेंज वगैरह किया है, अब चल रही हूँ नीचे दुकान में। पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैं अचानक से इतना सो गई, नींद ही नहीं खुली। मैम आई, मैम पढ़ा के भी चली गई, मुझे पता नहीं चला। सोई तो लेकिन जोरदार हूँ मैं, 1 बजे का सोई हूँ, 5 बजे उठी हूँ, 4 घंटा कुछ कहलाता है गाइस सोना। तो चलिए कोई नहीं, कभी तो मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ, कभी कदा जब तबीयत, हमको लग रहा है जुकाम की वजह से हुआ होगा। तो चलिए चलते हैं अब दुकान में, चलते हैं हस्बैंड से सुनते हैं हस्बैंड क्या बोलेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने मुझसे क्या कहा। चलिए गाइस, गाइस हम दुकान में आके बैठ चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये बाहर देखिए कुआं वगैरह है, सामने ये गड्ढे के जैसे दुकान खुला, अंदर भी दुकान है, आप देख सकते हो। ये मेरा दुकान है, इसमें फिटिंग के काम होती है, चश्मे का फिटिंग होता है, होलसेल रेट में फाइबर वगैरह मिलता है, फ्रेम मिलता है, आप देख सकते हो गाइस। अब वो सामने आप इसमें मिला चलिए, उनके बैग की रिपेयर होती है, रिपेयरिंग शॉप है। दुकान में बैठी हुई हूँ, मेरे हस्बैंड गए चश्मा देने के लिए डॉक्टर के पास, अभी आ जाएंगे। और मुझे जुकाम इतना ज़्यादा हुआ है गाइस, क्या बताऊँ, मेरा सर ही तो पकड़ा हुआ है, आपको समझ नहीं आया आज मैं इतना ज़्यादा सो कैसे गई। 3-3.5 घंटे कुछ कहलाता है गाइस, कुछ कहलाता है। दुकान से आ गए हैं और मैंने मंगाए हैं मोमो गर्मा गर्म, हाथ जल रहा है, ये देखिए गर्मा गर्म मोमो मंगाया है, चटपटा खाने का मन कर रहा था। लो खाओ, गरम है, गरम लगा, गरम लगा। उसको देखिए उसका चुरा चुरा के पीछे बैठे खा रहा था, मम्मा नहीं देखेगी इसे, देखिए मम्मा वीडियो में देख रही है तुम्हें, हटो यहाँ से। तो चलिए गाइस जब खाते हैं मोमो, तीखा नहीं लग रहा तुमको? तीखा नहीं लग रहा है? मीठा नहीं लग रहा? मीठा नहीं खाओ, इतना तीखा मोमो है गाइस। चटनी में डुबा के सब ले लिया तू, सही का चलो खा के मिलते हैं आपको। मैं बना रही थी पास्ता, तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी दिखा दूँ कि मैं पास्ता बना रही हूँ, देखिए खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, रोज़ रोज वही खाना 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 खाना। तो आज हम लोग पास्ता बना रहे हैं, हम और बाबू खाएंगे, और मेरे हस्बैंड के लिए खाना है तो अपना खाना खाएंगे, रोज़ रोज़ खाना 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 खा के कहते हैं जाते हैं, तो इसलिए आज हम लोग पास्ता खाएंगे गाइस। मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ, तो देखते हैं खा के कैसा पास्ता बना है बन जाने के बाद। तो चलिए बना लेते फटाफट से पास्ता। मैं पास्ता बना रही थी, इतने में मेरे बेटा मेरे लिए आइसक्रीम लेके आया, वो मेरी फेवरेट वाली ऑरेंज वाली। तो पहले मैं
आइसक्रीम खाओगी उसके बाद पास्ता खाऊंगी, जब पहले आइसक्रीम खा लूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है गाइस। और इस फ्लेवर की आइसक्रीम चाट खाने में मजा चलता। अच्छा बनाया मैं ये सब चीज़ें, ये सब मैं मतलब कि अपनी बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अच्छा बना लेती हूँ। होटल जैसा रेस्टोरेंट जैसा तो नहीं, लेकिन जैसा बनना चाहिए टेस्टी रहता है। तो चलिए खा लेते हैं। खाओ जी, हम नहीं खा रहे, फिर बाद में खाएंगे, तुम खा के आटो। तो गाइस हम सब ने खाना खा लिया और मैं टीवी देख रही थी, तो मेरे दोनों बच्चे सो चुके हैं, आप देख सकते हो। तो अब हमें चल रहे हैं टीवी बंद करके सोने के लिए। टाइम हो गया है 11:10, तो चलिए अब हम सोते हैं और हम मिलते हैं आपसे कल नए फिर से नए ब्लॉग के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए गाइस। और महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों पर बना रहे, और आप लोग भी प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि महादेव का जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर ही हमेशा ऐसे ही बना रहे। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सफर कर गाइस, बाय बाय।